तो ये नजफगढ़ से भाई पहुंचे हैं सुनील, जो गौ प्रेमी हैं। और इधर आप देखें पीछे जो दो गायें आप देख रहे हैं, एक है 22 नंबर जो कि 6 नंबर की ही बेटी है पिछले ब्यांत की। ये काफ़ी अच्छी, जैसे पूंछ कटी हुई है इसकी, काफ़ी अच्छा उत्पादन इसने भी दिया है। तो पिछली बार जब बिल्कुल पीक पर थी तो उस समय मैंने इसको देखा था। ये देखिए आप, थन बहुत ही स्टिक है इसकी, जब ये भी आई थी 22 नंबर, बहुत ही अच्छी गऊ है ये भी। और इधर आप देखें तो सुनील भाई, आप जो देख रहे हैं सामने ये गायें, औरों के मुकाबले आप थोड़ा क्या, कुछ इसमें वेट ज़्यादा है? वेट बहुत अच्छा गेन किया हुआ है इसने हैं? और अच्छा भी किया हुआ है हाँ, तो ज़्यादा। इसके थन जो हैं चारों वो काम में नहीं कर रहे, ब्लॉक थोड़े साइड में हो जाओ थोड़े से। ब्लॉक होने के कारण दूध हमें मिल नहीं पाता है। अच्छा, तो जैसे कि इस गौ माता का हैवी होने का ये भी एक कारण है, क्योंकि जो ऊर्जा के रूप में हमें दूध मिलता है तो वो एग्जिट नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता। तो उस वजह से जो भी खाती है पीती है तो अपने ही बॉडी को ये देती है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो गायें दूध में चलती है तो उसकी बॉडी आपको लीन मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। तो दूध में शरीर क्या है, कटता है, और इसकी जो ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती तो उस वजह से ज़्यादा विकसित हुआ है। तो सुनील भाई, कहाँ से हो आप? नजफगढ़ दिल्ली। अच्छा, नजफगढ़ दिल्ली। तो गौ प्रेमी हो, गायों से काफ़ी प्रेम है, बहुत लगाओ। तो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच गए थे ये मेरे साथ, और लुवास के अंदर, और और आपका गाय नाम? के बहुत ही प्रेमी हैं, बहुत ही, और बहुत कम जगह के अंदर अपने शहर में भी गाय रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया है। ये गाय देखिए आप, अभी ड्राई हो चुकी है, पूंछ इसका कटा हुआ है। इससे पहले भी एक बार किया था, तो लवास यूनिवर्सिटी। और ये बहुत ही खूबसूरत गाय, लवास यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है, HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये जो बछड़ी आप देखें 6 नंबर है ये, और इसका मैं आपको बता देता हूँ कि 100 नंबर जो गाय थी उसकी ये बेटी है। तो काफ़ी अच्छा दूध इस गौ माता ने निकाला था, तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी वालों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट जो किए, तो उसके बाद से इसको काफ़ी नुकसान हुआ, और नुकसान के रूप में उसको ये चीज़ उठानी पड़ी कि इसके जो चारों थन हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही सुंदर गायें हैं, बलिष्ठ बिल्कुल। शरीर जो इसका देखें आप, बलिष्ठ, बहुत ही बलवान। ये देखें चारों थन जो हैं इसके बिल्कुल ब्लॉक हैं, बिल्कुल कोई भी थन अभी काम नहीं कर रहा। काफी ऑपरेट इस गौ माता के हुए हैं, पर शरीर से देखें आप, बहुत ही बलिष्ठ बलवान, बहुत ही शानदार है भाई। देखते ही तबीयत खुश हो जाती है, बहुत ही सुंदर गौ माता। हम देखें इतना विकसित हम किसी का नहीं मिलेगा। मोटाई अगर सामने से मैं दिखाऊं आपको तो बहुत ज़्यादा है, और करीबन करीबन 20 kg इसने भी दूध दिया था, 20 किलो दूध। तो फादर साइड से क्या कुछ रिकॉर्ड है इसका पता नहीं मुझे, पर मदर साइड इसकी 100 नंबर गऊ जो थी, टॉप गायें थी यहाँ की, इस लुवास यूनिवर्सिटी की, तो उसकी बेटी है। और हम देखें आप सामने से मसल देखें हम की, ये देखिए आप, करीबन 1 फिट के आसपास, इतना विकसित हम्प आपको किसी का नहीं मिलेगा, बहुत ही कम। एक बुल से भी बहुत ज्यादा, और गाय अन्य देखें आप, इसके मुकाबले बहुत ही कम लग रही हैं। और एक और ये देखें, सुंदर गौधन है पीछे, ये भी बहुत ही प्यारी गऊ है। सींग देखें, साहिवाल की अन्य जो बछड़ियां हैं वो देख सकते हैं, काफी सुंदर बछड़ियां हैं ये भी। इधर भी आप देखें,
और 6 नंबर जो गऊ है ये थड़ों से बिल्कुल अभी ब्लॉक है, पर फिर भी इससे बच्चे लिए जा रहे हैं, सुनने में ऐसा आया है। तो इस ब्यांत के क्या कुछ होंगे इसके, वो भी आपको बताता हूँ मैं। दूध किसी और का पिलाया जाएगा उसको।